कुचबिहार के राष मेला मार्च जनसभा को संबोधित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी कुचबिहार आ रही हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि कुचबिहार के राष मेला मार्च जनसभा को संबोधित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी कुचबिहार आ रही हैं। इसी बीच उनके आने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और मंच बनाने का काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री के सफर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत मंत्री विनय कृष्ण बर्मन, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रतिम राय, कई और नेता एवं अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। वहीं मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने मंच को देखने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री के जनसभा में कुचबिहार में लाखों के तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, इसीलिए तैयारी का जायजा लेने के लिए वो यहाँ आए हैं। 16 दिसंबर को यह सभा 12 बजे से शुरू होगा। कुचबिहार के राष मेला मैदान जनसभा को संबोधित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी कुचबिहार आ रही हैं। इसी बीच उनके आने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मंच बनाने का काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री के सफर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत मंत्री विनय कृष्ण बर्मन, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रतिम राय समेत कई और नेता एवं अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मंच तैरी होच्छे, माठ परिष्कार होच्छे, हेलीपैड तैरी होच्छे, दुटो हेलीपैड होबे एवं जाते आमरा सेदिन लक्षाधिक मानुष के आमरा एई माठे हाजिर करते पारी, एई कर्मसूचीते हाजिर करते पारी, तार समस्त रकम प्रस्तुति एवं चेष्टा चलछे एवं जेलार मानुष एलाकार मानुष तारा अधीर आग्रहे रयेछे माननीय राज्येर माननीय मुख्यमंत्री তার বক্তব্য শোনার জন্য। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 15 তারিখে আসবেন বিকেলের দিকে, এসে 15 তারিখে নাইট হল করে 16 তারিখ 12টার সময় তিনি রাসমালার ময়দানে কুচবিহারবাসী উত্তরবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। বিশেষ করে গত 10 বছরে তিনি যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছেন সেই উন্নয়নমূলক কাজগুলো তিনি বিস্তারিত যেমন বলবেন, আগামী দিনে তিনি কী করতে চাইছেন সেটারও আভাস তিনি দেবেন। আমরা অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষায় রয়েছি। আশা করছি যে তার বক্তব্যে কুচবিহারবাসী খুশি হবে, সন্তুষ্ট হবে। তিনি যে সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন, বিশেষ করে দুয়ারে সরকার, এটা মানুষ খুবই উপকৃত হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষ শুধু নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচি এই প্রথম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উদ্যোগেই পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে। মানুষ ভীষণ খুশি। তো সেই সব মিলিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি, তাকে স্বাগত জানানোর জন্য কুচবিহারবাসী অধীর আগ্রহে উপেক্ষা করছেন। আমরা আশা করছি যে কুচবিহারবাসী সেদিন এই মাঠে কুচবিহারবাসী ঢল নামবে, তারা স্বেচ্ছায় এসে এখানে এসে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে মূল্যবান বক্তব্য সেটা তিনি শুনবেন। এটাও আমরা লক্ষ্য করছি, যেখানে তিনি যাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে তার বক্তব্য শোনার জন্য ভিড় করছেন। আপনারা দেখতেই